मालिक इस वक्त मेरे साथ हैं और जिस वक्त देश का झंडा ऊपर चढ़ता है तब उनकी आंख में आंसू थे, खुशी के आंसू थे, आज फिर आंसू। और सवाल फिर से वो उसी सवाल का वो जवाब चाहती है जिसको जी एक्चुअली ना हमारे संज्ञान में कुछ है ही नहीं, जो ओवरसाइट कमेटी आज के आंसू बनाई साक्षी, क्योंकि उसके बाद क्या क्या मंत्रालय से उनकी बात हुई ओवरसाइट कमेटी की, वो हमारे को संज्ञान में है नहीं वो चीजें। हमारे को तो ये बस यही था कि सरकार ने हमें आश्वासन दिया था और हम सरकार की मान के उठ के अपनी ट्रेनिंग करने लग गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या राजनीति हुई, क्योंकि इस चीज़ों का हमारा ज्ञान, हमारे को ज्ञान नहीं, हमारे को सिर्फ खेल का ज्ञान है। तो जो पॉलिटिक्स की जो भी बातें हुई हैं उस बारे में हमारे को नहीं पता। हम तो आप यहाँ इसलिए आए हैं कि भाई हमने लीगल एक्शन भी ले लिया है, हमने जो है FIR दर्ज कराने के लिए जो है कंप्लेंट भी कर दिया। तो जब पहले तो जब हम बैठे तो ये बोल रहे थे भैया क्यों आप FIR नहीं दर्ज करवा रहे अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ, तो अब हमने सब लीगल एक्शन भी ले लिया तो भी हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही, तो इसीलिए हमारे को यहाँ आना मजबूरी हो गई। जी देखिए ये चीज़ें तो सरकार को ज़्यादा पता होंगी जी क्यों नहीं हो रही। हमारा तो हमारे को तो यहाँ आने का इसीलिए कि आम जनता तक और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके कि भाई हम एक्चुअल में जिन्होंने देश का इतना नाम रोशन किया वो एक्चुअल में बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसीलिए हमारे को ना ये जो चुनाव प्रक्रिया है इस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हर जो स्टेट की जो फेडरेशन है, बॉडी है, जो उनके जो प्रेसिडेंट है हर स्टेट के, वो मोस्टली उन्हीं के रिश्तेदार हैं या फिर कोई गुंडे बदमाश हैं, सभी उनके इन्फ्लुएंस के आदमी हैं, तो वो अपना कोई भी डमी या पपेट प्रेसिडेंट भी बना सकते हैं। ये हमारे को पहले से पता है कि उनके 3 टर्म ख़त्म हो चुके थे और वो कोई अपना पपेट बिठा के खुद ही जो है हमेशा से पूरी लाइफ के लिए रेसलिंग पे जो शिकंजा है वो बनाए रखना चाहते हैं, ये हमारे को पता है। इसीलिए हमारे आने का ये है कि हमारे को जो ये रेसलिंग फेडरेशन की जो चुनाव प्रक्रिया है इस पर कोई भरोसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक खिलाड़ी के हाथ में और जहाँ हमारी जो लड़कियाँ जो हमारी महिलाएं हैं वो सुरक्षित, जो महिला खिलाड़ी हैं वो सुरक्षित महसूस कर सके, उनके हाथ में ये फेडरेशन की बागडोर दी जानी चाहिए। थैंक यू सो मच सर।